दिनकु दिन रोचक मोड़कु गति करुछि झारसुगुड़ार राजनैतिक पाणिपवन। उपनिर्वाचन में विजय हासिल करिथिबा स्वर्गत नवदासक झील चलित साधारण निर्वाचन में जो पराजय हला ताहाकु सहजरे ग्रहण करिपारुनाहंती। मात्र 1333 खंड भोट्रे बीजेपी प्रार्थी चंकधर त्रिपाठी ठारु हार मानिले दीपाली दास। निजर पराजय को सहजरे स्वीकार करिपारुनथिबा दीपाली पुणी थरे ईवीएम जांच पई आवेदन करथिले। जो बूथ गुड़िकरे तांकर संदेह रहिछि सही गुड़िकु पुणी थरे जांच पई दीपाली करथिबा आवेदन रे मोहर मारिथिले भारतीय निर्वाचन आयोग। 13 बूथर ईवीएम जांच पई निर्देश देथिले। तेबे खूब शीघ्र ईवीएम जांच हेबाकु थिबा बेले यापरे वोट गणति समय रे सीसीटीवी फुटेज मागिथिले दीपाली दास। एबे पुणि थरे झारसुगुड़ा राजनीति को नहीं एक बड़ चैलेंज सृष्टि होइछे। हाईकोर्ट रो द्वारस्थ होइछंती दीपाली दास। चलित निर्वाचन ने तांको प्रतिद्वंदी तथा बीजेपी विधायक प्रार्थी चंकधर त्रिपाठी मिथ्या निर्वाचनी सत्य पाठ दाखल करथिबा अभियोग होइछे। तेबे निर्वाचन फलाफल को नहीं खुशी नथिबा दीपाली गोटिए परे गोटिए एक्शन नेउछंती। अनेपटे याकु नेइ झारसुगुड़ार वर्तमान विधायक चंकधर त्रिपाठी पॉजिटिव रिप्लाय देउथिले सुधा भितरे भितरे भय सृष्टि होइथिबा चर्चा हेउछि। तेबे दीपाळीक हाईकोर्टर आवेदन केते मात्रारे सफल हेउछि ताहा देखिबाकु अपेक्षा। ब्युरो रिपोर्ट, रियो न्यूज़।